सो हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल्स एंड माय सपोर्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत की दुनिया में। सो देखिए, आज है दशमी और दिन आप देख सकते हैं एकदम डल है, बुरा भी लगता है। तो हम रेडी है, अभी आए हैं यहाँ पे दशमी को सेलिब्रेट करने के लिए। और लेकिन मैं क्लब पे नहीं जा पाया क्योंकि कुछ इश्यूज था इधर उधर दौड़ते हुए। सो अभी हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा शूट वगैरह लेके और फिर जाएंगे, क्योंकि दुर्गा माँ का जो है आज लास्ट है। और हमारे मैडम जी आए हैं, ये तो पूजा पाठ करके एकदम बिल्कुल आए हैं। तो मैं गया था हनुमान मंदिर, तो वहाँ से जाके फिर आया मैं। इस दिन का इंतज़ार नहीं रहता है यार, बस पूजा का इंतज़ार रहता है। तो अब जो है हम थोड़ा सा शूट वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद जो है चलेंगे आगे। सो यहाँ पे जो हमारी दुर्गा माता है और ठीक उस दुर्गा माँ के नीचे यहाँ पे पानी में देखिए दुर्गा माँ का चेहरा हमें देखना होता है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा होता है। दुर्गा माँ को जितना देखते रहें उतना भी कम लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने कैसे असुर का वध किया था। और राम ने भी जब रावण को मारने के लिए अपना तीर निकाला था जिसमें दुर्गा माँ थे, वो तीर जाके सीधा रावण के पेट में लगा था और तभी रावण का भी वध हो गया था। कहीं ना कहीं दुर्गा माँ ने यह भी किया। तो हम लोग का भी पूजा हो गया है, अब यहाँ पे करेंगे हम थोड़ा सा शूट, और शूट करने के बाद जो है फिर चले जाएंगे। इतने दिन जो हम लोग पूजा देखने के लिए निकले थे, सो ये जो है ना ऐसा होता है कि दुर्गा माँ जैसे पूजा के लिए आते हैं ना, उनके चेहरे पे एक अलग सी झलक होती है, लेकिन वो जैसे चले जाते हैं ना, मतलब उनके चेहरे पे जो उदासी साफ साफ जाहिर होता है। और ये तो बस मूर्ति है यहाँ पे, लेकिन वो चले गए यहाँ से, क्योंकि हम मूर्ति में ही देख सकते हैं यहाँ पे उनका जो एक आकर्षण है, उनका झलक जो है यहाँ से बस चला गया है। सो फाइनली जो है हम लोग शूट वगैरह कंप्लीट कर ले यहाँ पे, और हो गया है लगभग ढाई। सो अब हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मूर्ति उठाने का टाइम भी हो गया। तो चलिए हम लोग निकलते हैं फिर। दशमी के समय जो है हमने यहाँ पे छोटू सा जो है खाया है गोलगप्पा, और गोलगप्पा खाने के बाद जो है हम अपना आगे जाएंगे अभी। बहुत अच्छा लगा बहुत खाके। और आप तो हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन देख ही सकते हैं कि दुर्गा माँ को जैसे लेके जाया जा रहा है नदी में, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे सभी। क्या करें, यही लास्ट मोमेंट है एंजॉय करने का। देख ही सकते हैं मार्केटा का कुछ सेलिब्रेशन इस तरह होता है, और अभिषेक पूरा लाल पीला हो चुका है अभी। और हम जो है इस तरह दुर्गा माँ के विसर्जन करते हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के पार पे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बहुत मार्केटा जो है इस तरह से हमारी दुर्गा माँ का आगमन और विदाई जो सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इस तरह से मैं रंग में बिरंग हो गया अभी फिलहाल, और अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये मेरा है प्लास्टिक, तो हम यहाँ पे निकले दशमी एक ही साथ। तो देखिए आप भीड़ देख सकते हैं कितना है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो
यह हमारा सेंटर फील्ड है और इसमें इतनी ज्यादा भीड़ इसलिए है क्योंकि नदी जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। दशमी खत्म करते हुए मैं और अभिषेक फिलहाल जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं क्योंकि नदी पे है जो जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो इसलिए जो है हम यहाँ से निकल रहे हैं तुरंत क्योंकि अभी और काम बाकी है। तो हाँ, तो हम लोग निकलते हैं अभी फिलहाल यहाँ से और आगे मिलेंगे आपसे। दुर्गा माँ को नदी में बहाने के बाद एक जल उठाया जाता है जिसे हम शांति जल कहते हैं। यहाँ कालीबाड़ी में सभी आके एक साथ मिलते हैं, सभी एक दूसरे के गले लगकर विजयादशमी विश करते हैं और शांति जल वगैरह लेते हैं, हाथ में बांधने के लिए धागा लेते हैं और नियम वगैरह चलते रहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। विद ऑल सेड, लाइफ इज ऑसम, जिंदा है कमाल, टेक केयर, लव यू ऑल।